कल्याण कोई वर्ग हमने नहीं छोड़ा। किसानों को पूरा दाम 15 रुपया किलो का गेहूं खरीद के 1 रुपया किलो गरीबों को खिलाने का इंतजाम भी किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अभी तक चावल 2 रुपया किलो था, उनका गेहूं चावल में काहे को भेद करो, चावल भी 1 रुपया किलो दो, चावल भी 1 रुपया किलो दिया जाए। और जो गरीब की धरती पर रह रहा है, बड़े लोग तो अपने महल बना लेते हैं, गरीब शहर में भी आके छोटी छोटी सी झोपड़ी में टापरी बना के रहता है तो कहा जाता है अतिक्रमण कर लिया, हटा देंगे, तोड़ देंगे। मेरी बहन और भाइयों घबराना मत, अब हमने कानून बना दिया है, जो जहां रह रहा है पट्टा दे के उसको मालिक बना दिया जाएगा, कोई माई दलाल उसको नहीं हटा पाएगा। और मऊ कैंटोनमेंट बोर्ड की जो समस्या है जिसके कारण विकास में बहुत दिक्कत होती है, उस समस्या को बिल्कुल सुलझा दिया जाएगा, उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम लोग। मैं कहना चाहता हूं आम आदमी से, कांग्रेस ने किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना गरीब, ना नौजवान, ना किसान। कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, नौजवान बेटे बेटियों, हमने एक सपना देखा है, आने वाले 5 साल में तुम्हारी शिक्षा और रोजगार को हम जोड़ देंगे, शिक्षा के लिए बाकी सारी व्यवस्थाएं की है, उसके बहुत विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं